खास बातचीत करने के लिए विधायक बहादुरगंज के तौसीफ आलम साहब। बड़े कीमती वक्त निकाले इन्होंने, आज इन्हें वापस पटना जाना है, कल विधानसभा में सभा वहाँ पे कुछ मीटिंग्स हैं जिनमें वो आज इनको अर्जेंटली निकलना होगा, फिर भी मीडिया को उन्होंने संबोधित किया और टाइम दिया हुआ है। चलिए हम इनसे बात करेंगे बाबरी मस्जिद पे क्या कुछ इनकी तरफ से टिप्पणी है। हालांकि फेसबुक फेसबुक पे इनका बार बार कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ रहा है, हालांकि बाबरी मस्जिद के फैसले से खुश नहीं दिख रहे हैं, पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, चाहे सत्ताधारी के जो लोग हैं उनके दबाव में किया दिया फैसला या फिर क्या कुछ है ये मामला, सभी लोग समझ रहे हैं लमसम। जो सेंट्रल लेवल की मीडिया है इस चीज़ को तो खुल के नहीं दिखा रही है, पर कहीं ना कहीं दबाव में है। चलिए हम विधायक साहब से ही जानना चाहेंगे, आपके तरफ से आपकी पार्टी का तरफ से कुछ बयान नहीं आया, आपने फिर भी अपने स्तर से जो भी हुआ कहा आपने, आखिर क्या कुछ है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात, बाबरी मस्जिद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का हम सम्मान करते हैं जी, लेकिन हम एक मुसलमान के नाते मुझे ये लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत हुआ है जी। मैं उनका सम्मान करता हूँ जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ कहा है कि मस्जिद जिस समय तोड़ा गया ये गलत था जी, और मूर्ति घुसाया गया ये गलत था जी। जब एक तरफ आप गलत कह रहे हैं तो फिर फैसला में आप पूरा जमीन उसको दे रहे हैं जी। आप अगर फैसला ये सुनाते कि जहां मस्जिद था उस मस्जिद के जगह पर मस्जिद ही बनेगा या उस मस्जिद का जमीन को मुसलमान को दिया जाए, बाकी जमीन हमारे हिंदू भाई को दे दिया जाए, तो हमको टिप्पणी करने का कोई ये नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे, सिर्फ भारतवर्ष के मुसलमान नहीं कह रहे, पूरे दुनिया के मुसलमान ये कह रहे हैं कि ये फैसला कहीं ना कहीं हमको हम लोगों को लगता है कि गलत हुआ है जी। जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी साहब ने भी मिलर टाइम्स में उन्होंने कहा कि ये जो फैसला आया है, इस फैसले से लोग काफी नाराज दिख रहे हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया जो राज्य सरकार को कहा गया 5 एकड़ की जमीन, तो उन्होंने कहा कि खैराती जमीन हमें नहीं लेनी है। क्या ये जमीन आपके नजरिए से लेने की जरूरत है या नहीं? देखिए, बाहर में जमीन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, जहां मस्जिद टूटी थी वहां अगर उस 5 एकड़ को अगर दे देता तो हम भी कहते कि हमारे मुसलमान के जो भी कमेटी के लोग हैं मान लेना चाहिए। बाहर में जमीन देने का कोई तुक ही नहीं होता है। अब जहां बाहर में आप जमीन देगा वहां मस्जिद बनाएगा, मस्जिद बनाने का मतलब मस्जिद को आबाद करना है जी। और मस्जिद को अगर हम आबाद नहीं करते हैं तो फिर मस्जिद हमको बद्दुआ करेगा जी। तो ऐसे स्थिति में मस्जिद का बद्दुआ लेना नहीं है। अगर मस्जिद जहाँ टूटी थी वहां अगर जमीन देती तो हम कहते कि नहीं, वहां मस्जिद का जमीन है और आप ले सकते हैं। जैसा कि अब परसों फिर से एक बार अमित शाह झारखंड दौरे पर आए थे, उन्होंने कहा कि एनआरसी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी का बिल उन्होंने एक माइंड बना लिया कि नहीं, हिंदुस्तान में एनआरसी लगनी चाहिए, और खास करके सीमांचल के एक जिला है जो उनको उन्होंने टारगेट पर लिया है कि वहाँ बांग्लादेशी है, क्या आपके नजर में है ऐसा कुछ? सबसे पहले तो मैं सीमांचल के बारे में ये कहूंगा, सीमांचल में हमको नहीं लगता है कि ये भी बांग्लादेशी घुसपैठ है और ना ही कोई एनआरसी के दायरे में आएगा। और ये जो झारखंड में बोला है अमित जी ने, हमारे भारत के गृह मंत्री है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ये भाषा गृह मंत्री का नहीं होता है। गृह मंत्री का मतलब पूरे भारत का गृह मंत्री है वो, हमारा भी गृह मंत्री है जी। और अमित शाह का ये बयान हमको समझ से बाहर आया। एनआरसी के दायरे में जैसे आप आसाम में लाए, आसाम में 19 लाख लोग एनआरसी के दायरे में आया, जिसमें हमारे लगभग 12 लाख हिंदू भाई भी आ गए, तो अमित शाह जी का क्या मंशा है? ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये चुनावी मुद्दा है, झारखंड का चुनाव खत्म होगा, सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा, ये एनआरसी सिर्फ चुनाव भर का मामला है। अच्छा सर, चलते चलते लास्ट में सवाल आपसे करूंगा, क्या सुशासन सरकार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ा हुआ है? आपको मालूम होगा कि डेरागाज में सीडीपीओ द्वारा 2-4 ऐसे दलाल पाला रखा गया है जो आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर अवैध वसूली कर रहे हैं, क्या इस पर आपके लिए क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, किशनगंज की जहां तक बात है, किशनगंज में डीएम, एसपी और डीडीसी छोड़ कर के सारे पदाधिकारी भ्रष्ट हैं, एसडीओ भ्रष्ट हैं, क्या कहते हैं कि डीएसपी भ्रष्ट हैं, बीडीओ भ्रष्ट हैं, सीओ भ्रष्ट हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के जो सीडीपीओ वो भ्रष्ट हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में वसूली होता है, थाना प्रभारी द्वारा वसूली होता है, अंचल में कर्मचारी द्वारा मोटरसन रसीद के नाम पर ये वसूली होता है, और जनता दरबार जो खोला गया है बिहार सरकार की तरफ से सीईओ और थाना प्रभारी के नाम पर, पहले रात में डील होता है,
उसके बाद सवेरे जनता दरबार में फाइनल होता है। पास पूरा का पूरा सुशासन के नाम पर डरा पिट रहा है, पूरा पदाधिकारी भ्रष्ट है और जिस तरह से चरम पर है भ्रष्टाचारी, हमको नहीं लगता है कि बिहार सरकार अब काबू कर सकेगा। पूरा सिपटहरागंज का मामला नहीं है, बादलगंज का ही मामला नहीं है, दिगल बैंक का मामला, बिहार का मामला है ये, पूरे किशनगंज और पूरे बिहार का मामला है। सुशासन के नाम पर ढंढोरा पीट रहा है, अफसरशाही इतना हावी हो चुका है कि कोई भी जनप्रतिनिधि का बात नहीं सुनता है। एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड सदस्य हो, किसी का बात, किसी का इज्जत नहीं है। थाना में कोई किसी का जन कोई जनप्रतिनिधि का इज्जत नहीं है, ब्लॉक में किसी जनप्रतिनिधि का इज्जत नहीं है, अंचल में किसी का इज्जत नहीं है, उसके बाद तो क्या जनता का इज्जत होगा? जब जनप्रतिनिधि का ही इज्जत नहीं होगा तो जनता का क्या इज्जत होगा? चलिए, आपके लिए क्या स्टैंड रहेगा इस भ्रष्टाचार को लेकर के? आपके सदन के अंदर जो सदन स्टार्ट होगा विधानसभा में, आप क्या कुछ रखेंगे इस मामले में खासकर? देखिए, विधानसभा स्टार्ट हो चुका है और जो क्षेत्र का मुद्दा है इस मुद्दे को हम विधानसभा में उठाएंगे और सरकार के खिलाफ जो पदाधिकारी यहाँ भ्रष्ट पदाधिकारी यहाँ पूरे खुलेआम नंगा नाच रहा है, इसके खिलाफ में हम विधानसभा में हम सरकार को घेरेंगे। चलिए विधायक जी, खास एक बात और आपसे करेंगे कि जेएनयू के मामले में स्टूडेंट्स के साथ जो अत्याचार हो रहा है या आपके साथ संज्ञान में आ चुका होगा, आखिर विपक्ष में विधानसभा में कई विपक्ष के दल के नेता दिखे जो धरना प्रदर्शन करते थे, क्या जेएनयू के लिए आपके लिए क्या स्टैंड है? क्या कर रहे हैं? देखिए, जेएनयू का जो मुद्दा है वो लोग किस लड़ाई लेके मुद्दा धरना प्रदर्शन कर रहा है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि धरना प्रदर्शन कर रहा है और उन पर सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये गलत है। हिंदुस्तानी के नाते हम ये कहेंगे कि हमको बोलने का अधिकार है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, अब बोलने पर हमको अगर पाबंदी लगाइएगा, ये कहीं का कानून में लिखा हुआ नहीं है। हम जेएनयू के छात्र के साथ हैं और मुझे अगर संपर्क करेगा तो हम भी उसका लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार होंगे। ये थे विधायक तौसीफ आलम साहब, जिनसे हम जानकारी ले रहे थे एनआरसी के।